जिन्होंने मुझे आज ही ज्वाइन किया, जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया, उनको मैं बता दूं कि हम लोग दिल्ली से रुड़की जा रहे हैं क्योंकि मेरी सिस्टर की वेडिंग है वहाँ पे, बुआ जी की बेटी की शादी है। हमने आधा रास्ता पार कर लिया है, हम ऑलमोस्ट घर से 105 किलोमीटर आ चुके हैं। पता नहीं हम किधर हैं इस साइड, ये कौन सी जगह है, सुरंदा को भी नहीं पता क्योंकि आसपास में सिर्फ खेत ही खेत है और कुछ है नहीं। हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी पुडिंग पुडिंग पुडिंग, तो पुडिंग खाते हैं और चलते हैं आगे, आपको कराते हैं एंजॉय मजेदार। मेरे लिए रखा था खुद खा गई। ठीक है चलो कोई बात नहीं। आ गया है चीतल ग्रैंड, चीतल ग्रैंड। भाई भी इस ट्रिप पे हमारे साथ है, ये फैमिली एक ट्रिप पे है, ट्रिप क्या मतलब शादी है तो वहाँ जा रहे हैं। मेरा भाई मेरे आगे चल रहा है और यार इतनी तेज भाग रहा है गाड़ी में, बहुत देर से उसको पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने तो हार मान ली है। मैं अपना चल रहा हूँ वही 80-90, 70-80-90 पे, तो वो चला रहा होगा 100-120-130 पे। भाई चलने दो उसको, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा, 10 मिनट का ही तो है खेल, कोई बात नहीं, पहुँच जाएगा पहले तो क्या हो जाएगा। गाड़ी चल गई है ऑलमोस्ट 133 किलोमीटर्स और आधी टैंक सीएनजी का खत्म हो गया, मतलब आधा टैंक जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। मैंने एसी भी चालू कर लिया है क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग रही थी गाड़ी में, तो अब भरवाते हैं आगे इसकी सीएनजी, देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी सीएनजी पे और क्या एवरेज देती है गाड़ी सीएनजी पे। हमारी गाड़ी चल चुकी है 150, आधी टंकी सीएनजी है और अब हम सीएनजी पंप पे खड़े हैं सीएनजी भरवाने के लिए, देखते हैं कितने की सीएनजी आती है। 350 रुपये की सीएनजी आई है, प्रेशर पूरा फुल। सो 150 को अगर मैं 4.3 से डिवाइड करूंगा तो 34 पॉइंट कुछ आता है, तो मतलब मोटा मोटा गाड़ी 34 की एवरेज दे रही है, तो एवरेज तो बढ़िया दे रही है। लास्ट टाइम जब मैं इसे जयपुर लेके गया था तो भी इसने 34-35 का एवरेज दिया था और आज भी 34-35 का एवरेज दे रही है, तो एवरेज में तो कोई डाउट नहीं है भाई, गाड़ी बहुत बेहतरीन एवरेज दे रही है और चलने में भी बहुत अच्छी है। हमारी जर्नी का थर्ड टोल, बस मेरे ख्याल से इसके बाद में हमें कोई टोल नहीं मिलना चाहिए, लास्ट टोल होना चाहिए हमारा, बट देखते हैं अगर इसके बाद भी टोल मिलता है तो क्या कर सकते हैं, टोल तो देना ही पड़ेगा। भाई ने अभी लोकेशन भेजी है और वो लोकेशन जो मुझे दिखा रहा है लगता है कि शायद पहुंच चुका है वहाँ पे, और ये चीकू से कर रहे हैं वीडियो कॉल। चीकू बड़ी याद आ रही थी चीकू, अभी भाई का कॉल आया है, सो वो कह रहा है यार बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, बहुत ट्रैफिक लग रहा है, मेरे को तो 15-20 मिनट लग गए निकलने में, तो आराम आराम से आइए, हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया है, ट्रैफिक चालू। इस पुल से सीधा चले जाएंगे तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे, बट हमें हरिद्वार नहीं जाना है, हमें रुड़की सिटी में जाना है देहरादून रोड पे, तो हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, इधर रोड आपका हरिद्वार जाना है। आ चुके हैं रुड़की बाईपास पे, इस पे भी टोल लगेगा हमारा, हाईवे बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, मज़ेदार मज़ेदार। एक रास्ता हमें नहर से भी दिखा रहा था, पापा का कॉल आया था तो वो कह रहे थे कि उस वाले रास्ते से मत आना, वो बहुत ही ख़राब रास्ता है, बार बार से आ जाना, थोड़ा सा फालतू पड़ेगा लेकिन सही आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे। रुड़की बाईपास से जा रहे हैं और नेविगेशन हमें दिखा रहा है कि हम 15 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे होंगे। मुझे रास्ते से लेके जा रहा है ये हाईवे छुड़वा के, ये हमें कहाँ खेतों के बीच में ले आया है गूगल भी ना कभी कभी साला क्या से क्या करवा देता है। कहाँ जा रहे हैं यार ये, हम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये कहाँ लेके जा रहा है, गूगल दिखाना। 7 मिनट हाँ तो यही रास्ता रहा है लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों लग नहीं रहा, और अगर यही रास्ता है भाई मैं पहली बार रुड़की आया हूँ। फिर अक्सर दुकानों पे लिखा होता है कि ये दुकान बिकाऊ है, यहाँ तो एक दुकान है उस
उसको भाई को ये लिखना पड़ गया कि ये दुकान बिकाऊ नहीं है। मतलब सोचो उसको कितना परेशान कर दिया होगा कि भाई दुकान दे दे, दुकान बेच दे, दुकान बेच दे, कि उसने अपने दुकान के आगे और शटर के ऊपर भी लिख दिया कि यह दुकान बिकाऊ नहीं है। कमाल है भाई, कमाल है यार लोगों की। गूगल देवता हमें अंदर अंदर के रास्ते से लिया, गांव 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 के रास्ते में से, अब जाकर के ये मेन रोड पे हमें मिला रहे हैं। यार बाहर बाहर से घुमा के ले आते गूगल जी, यहाँ से क्यों लेके आए अंदर गांव के अंदर में से। पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, ये हमारी डेस्टिनेशन, आओ चलते हैं अंदर। अंकित भी अभी पहुंचा है। सही से बनाना वीडियो, सही से बनाना वीडियो। मेरा तो उस वक्त भी पेट नहीं भर रहा था कि जिन्होंने हल्दीराम के पराठे, पनीर, डोसा, उत्पम, सैंडविच, चिप्स वगैरह सब खा रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हम लोग हल्दीराम पे रुके थे, तो हल्दीराम में हमने पराठे खाए थे, उत्पम खाया था, सैंडविचेस खाए थे, चाय वगैरह ली थी। तो अभी विक्की फिर से कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो विक्की को दिखाते हैं कुछ। विक्की कुछ मिलेगा तभी तो खा पाएगा तू बच्चे। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सब सन्नाटा। लाला पानी पी लो, तुम तो पानी से काम चला लो आज। ये टोकरी याद है कल इसी को उठा रहा था मैं वहाँ पे, पर आज ये यहाँ आ गई। दुनिया बड़ी गोल है यार। तब ये कहते थे कि उससे करवा, रेजर से करवा, जल्दी आएंगे। नहीं आएंगे, रेजर से कम आएंगे। नहीं हम तो रेजर से इसलिए करवाते थे, चेंज कर दिए हम इसलिए रेजर से। मैं भी रेजर से करवाता था कि भाई ब्लेड से मार, रेजर से मार, जल्दी आएंगे बाल। रेजर से क्या, एक तो दाढ़ी है बहुत सख्त हो जाती है, मशीन से नहीं होती। मशीन से क्या बाल बढ़ते, बाल बढ़ते हैं मशीन से। यार पहले बता दे, मैं तो बचपन से रेजर डलवा रहा हूँ। कहाँ कहाँ से खींच रहे हो ये फोटो? Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and I... मारो क्वीन, मारो क्वीन मारो। इधर से क्या लिखा है, इधर से लिखा है नीम मारो। क्या लिखा, निकाल के रखनी है लाला, ऐसे नहीं कमरे में। अरे कमरे में नहीं, कमले में। तो टाइम हो रहा है शाम के 4, अभी पूजा थी, वो पूजा खत्म हो गई है। कुछ सामान था जो हम यहाँ पे छोड़ने के लिए आए हैं, या पेड़ पे हमने छोड़ दिया। सो इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल। वी आर गोइंग फॉर गंगा स्नान। गंगा जी जाएंगे वो आपको मैं अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, अगर हम जाएंगे तो। नहीं जाएंगे तो नहीं दिखाऊंगा। तो वो भी दिखाएंगे क्यों नहीं गए। हाँ नहीं नहीं जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे कि क्यों नहीं गए, और जाएंगे तो बिल्कुल दिखाएंगे क्यों है। हेलो, हम गाड़ी से दिल्ली से नोएडा भी जाएंगे। वो अगले एपिसोड में, वो बाद में। लोग लंदन जाते हैं, लंदन तो कुछ ना, हमारे हम नोएडा जाएंगे। वो एपिसोड चलता रहेगा अभी। चलो बाय 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 बाय।